नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G वर्सेस ओप्पो रीनो 12 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 फ्यूजन में 6.38 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 50 फ्यूजन से कम है। विड्थ की बात करें तो 50 फ्यूजन में 2.88 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 50 फ्यूजन में 0.31 इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 फ्यूजन में 175 ग्राम जबकि रीनो 12 प्रो में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 फ्यूजन से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 फ्यूजन में PoLED जबकि रीनो 12 प्रो में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 फ्यूजन में 6.67 इंचेस जबकि रीनो 12 प्रो में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 फ्यूजन में 1080x2400px FHD प्लस और रीनो 12 प्रो में 1080x2412px FHD प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 फ्यूजन में 90.7% जबकि रीनो 12 प्रो में 89.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 फ्यूजन में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि रीनो 12 प्रो में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 फ्यूजन में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और रीनो 12 प्रो की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 फ्यूजन में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और रीनो 12 प्रो की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 फ्यूजन में Adreno 710 जबकि Reno 12 Pro में Mali-G 615 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 फ्यूजन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और Reno 12 Pro में MediaTek Dimensity 7300 Energy मिलता है। बात करें RAM की तो 50 फ्यूजन में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है, जबकि रीनो 12 प्रो में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 50 फ्यूजन में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि रीनो 12 प्रो में 1 ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 50 फ्यूजन में नहीं है, जबकि रीनो 12 प्रो में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 फ्यूजन में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें रीनो 12 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 39,090 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें ओप्पो रीनो 12 प्रो 5G की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।